कॉटन की सर्जिकल कैप बनाने के लिए हमें इस तरह से ये कपड़ा चाहिए जो कि डबल फोल्डेड हो। उसके बाद हमें ये इस तरह से शेप में कटा हुआ कागज़ लेंगे जिसकी ये जो चौड़ाई है वो 6 इंची है और यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई 9 इंची है। इस तरह से शेप में कटे हुए कागज़ को हम कपड़े पे इस तरह से रखेंगे। ये कैप की साइड के लिए है और ये जो है ये कैप की टॉप के लिए है। इसे हम इस कागज़ के पास इस तरह से रख देंगे और ये जो इसकी जो चौड़ाई है ये 7.5 इंची है और लंबाई 10 इंची है। उसके बाद हम इसे किसी भी पेंसिल से या पेन से मार्क कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने पेन से मार्क कर लिया है। ठीक उसी तरह ये जो दूसरा जो शेप है इसे भी हम मार्क कर लेंगे। क्योंकि ये डबल फोल्ड कपड़ा है इसलिए इसमें जो टॉप है ये एक साथ ही आपके दो कैप्स के लिए कट जाएगी और ये जो शेप है साइड वाला ये एक कैप के लिए है। इसे आप यूँ लास्ट तक ले सकते हैं ताकि जो लेस है वो आपका जितना आप चाहें उतना लंबा बन जाए। अगर आपको दो कैप चाहिए तो आप इस वाली शेप को इस तरह से रिवर्स में भी रख के मार्क कर लें तो उससे ये होगा कि आप जब कटिंग करेंगे तो आपके एक साथ दो कैप के लिए कपड़े की कटिंग हो जाएगी और आपका जो वेस्ट है वो कम से कम जाएगा और वापस कपड़ा आपका एक सही शेप में कट के जो रेस्ट का कपड़ा है वो बिल्कुल स्ट्रेट कटा हुआ आपके पास रह जाएगा। तो ये बहुत ही कम कपड़े में आपने एक साथ दो कैप के लिए कटिंग हो जाएगी। ये हमने मार्क कर लिया है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए ये कटिंग हो गई है और ये फोल्ड है तो इसे हम जब खोलेंगे तो ये इस तरह से शेप में हमें मिलेगा। ये इसकी टॉप है ठीक है। ऐसे ये जो दूसरी वाली कैप है ये इसकी साइड वाली, इसे हम खोलेंगे और ये इसकी टॉप है। तो ये आपने एक साथ दो कैप के लिए कटिंग हो गई। इसे हम इस तरह से रखेंगे क्योंकि इसकी सिलाई है, इस तरह से हमें करनी है। अभी हमें इसके जो बिल्कुल सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए उसके लिए हम इसे फोल्ड करके
यहाँ से ऐसे प्रेस करके मार्क कर लेंगे और इसको इसके एक मिनट इस पर भी हम थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं फोल्ड करके, ताकि सेंटर को मिलाने में हमें प्रॉब्लम ना हो। ये थोड़ा प्रेस किया इसको तो ये मार्क बन जाएगा। ये देखिए आप, ये क्लियर मार्क बन गया। इस मार्क को इस मार्क से मिलाते हुए और इसको हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे। इसको बिल्कुल धीरे धीरे स्टिच करना पड़ेगा क्योंकि ये राउंड शेप में इसकी स्टिच होगी, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करते हुए आप इन दोनों शेप्स को मिलाते हुए ये धीरे धीरे इस तरीके से राउंड में घुमाते हुए इसको आप स्टिच कर लें। आप चाहें तो इससे पहले कच्चे को ऑल पिन से भी रोक सकते हैं पूरे को, उसके बाद आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर तो आप एक कॉर्नर से ही इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने तो मिड से स्टार्ट की है, पहले इधर का हाफ़ करके फिर उधर का हाफ़ कर लेंगे। अगर आप इसे ऑल पिन से रोक लेंगे कच्चे में तो ये आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। ये से हमने स्टिच कर लिया वन साइड से, ये देखिए। फिर ये से दूसरी साइड से हमने जहाँ मिड से स्टार्ट किया था वहाँ दूसरी साइड से भी इसको हमने इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए अब ये जो है शेप हमारे पास आ चुका है कैप का पूरी तरह से। इसकी जो लेस है उनको इस तरह से फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग करनी है। आप चाहें तो ये जो टॉप वाला जो हिस्सा है इसे पहले भी स्टिच करके रख सकते हैं, इससे इसमें थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, वो प्रॉपर डबल फोल्डेड में आपके पास स्टिच हो सकता है। देखिए इस तरह से इसकी लेस की वन साइड से हमने स्टिच कर ली। इसमें आपको इस तरह से शेप में काटने से ये फ़ायदा होगा कि अलग से आपको इसकी जो लेस है वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही लेस इसमें काम कर जाएगी। ये हम इसकी थोड़ा इसको मजबूत करने के हिसाब से इसकी एक डबल सिलाई कर रहे हैं कैप की, इस पर भी आप एक यहाँ पे डबल सिलाई दे दीजिएगा। अगर आपके पास इंटरलॉक अवेलेबल हो तो आप इसे इंटरलॉक भी कर सकते हैं। ये इसकी डबल स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। अभी हमें इसकी फ्रंट की सिलाई करनी है, तो इसके लिए हमें जो लैस है इसको बची इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे डबल में करके और इसको एकदम फ्रंट तक से पूरे को फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे।
ये इसको आप पहले थोड़ा सा प्रेस कर लें इस तरह से, जिससे कि ये आपको स्टिचिंग में आसानी रहेगी। आप चाहे तो इसे हाथ से कर लें, चाहे तो आप इसमें लिए आयरन भी यूज कर सकते हैं। आप इसे मुंह से ही सिलना स्टार्ट करें, इस मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए इसको हम पीछे वाले हिस्से को बाद में सिल लेंगे। इस तरीके से इसको प्रेस करते हुए आप हमारी कैप तैयार हो चुकी है। यह आपकी कैप तैयार है। स्टाइलिश सर्जिकल कैप आपके घर पर तैयार कर लिया। पूरी तरह से आपके सबको कवर किए हुए हैं, साइड से इसका पीछे से जो लुक है।